हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं जो लुक क्रिएट करने वाली हूँ उसमें फाउंडेशन मैं वेट एंड वाइल्ड का यूज़ करूँगी और उसको फिक्स करने के लिए लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी जो कि शुगर का है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लुक क्रिएट करते हैं। मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूँगी। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी हाँ ठीक ठाक हूँ, तो मैं ट्राई करना चाहूँगी करूँगी। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का रोज टोनर ले रही हूँ और उसके बाद रोज टोनर को अच्छे से अपने स्किन पे स्प्रे कर लूँगी ताकि ना मेरे पोर्स में मिनिमाइज़ हो जाएं और अच्छे से थोड़ा सा फ्रेश लगूं मैं। तो आप रोज टोनर को ना ऐसे, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करते वक्त ही यूज़ करो, ऐसे भी यूज़ करते। तो गाइज़, यहाँ पे मैं लोरियल का हाइलोरिक एसिड सीरम ले रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है और ये ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ड्राई स्किन है मेरी, मैं यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो पैची पैची सा टाइप का नहीं लगता है और बहुत अच्छे तरीके से मेकअप फिक्स हो जाता है इस पर। तो कुछ सीरम का तो अधिकतर यूज़ करना चाहिए, सुबह शाम आप सीरम यूज़ कर सकते हो, ये हमारे स्किन को अच्छा बनाता है और हाइड्रेट करके रखता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने हल्के हाथों से सीरम लगा लिया है और उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। आप देख रहे हो स्किन कितनी ग्लो करने लगी। और फिर मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन ले रही हूँ और गाइज ये फाउंडेशन ना बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए और मैं ड्राई स्किन के हिसाब से लेती हूँ क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है और ऐसे फाउंडेशन ना बहुत अच्छे होते हैं। और आप देखेंगे कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से कितने अच्छे से हल्का ही मैं ब्यूटी ब्लेंडर को धो ली थी अच्छे से स्पंज और अच्छे से ना इसको इसका पानी निकाल ली थी सारा। और उसके बाद आप देख रहे हो कितनी, मतलब कि दो तीन ही बार में डैप डैप करने पे ये इतने अच्छे से फाउंडेशन मिक्स हो गया और आप देख रहे हो कितने अच्छे से, मतलब ये फाउंडेशन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा महंगा तो आता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ना मैं कभी जैसे कहीं फंक्शन होता है स्पेशल फंक्शन तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर शुगर का फिक्सर पाउडर है, ये मेकअप फिक्सर पाउडर, तो ये भी मैं इसी के साथ ही ली थी, ये दोनों साथ में ही ली थी। तो यहाँ पे मैं अपने फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए इस पाउडर का यूज़ करूँगी और डैप डैप करके ही ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको फिक्स भी कर ले रही हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फिक्स हो गया है। और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ही मैं आईब्रो पैलेट ले ली हूँ और ये थोड़ा सा ना मेरा ये इस मेकअप जो मैं मेकअप यूज़ की हूँ, सारी जो चीज़ें यूज़ की हूँ थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन गाइस जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना वो महंगी होती हैं। तो पहले मैंने ना उसको ब्रश से सेट कर लिया है, उसके बाद ब्राउन सेट से ही मैं इसको से आईब्रो सेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने शुगर का ही कंटूरिंग करने के लिए थोड़ा सा ब्राउन सेट लिया है ब्राउन में और मैं थोड़ा सा नाक के पास, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे फेस पे एक्स्ट्रा फैट है या फिर कुछ है कि मुझे इतना सेट करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सेट किया है। मैं बहुत कम सेट करती हूँ, कंटूरिंग बॉक्स का यूज़ बहुत कम करती हूँ। यहाँ पे मेरी कंटूरिंग डन हो गई है और आप देख रहे होगे मैं ज़्यादा कंटूरिंग नहीं की हूँ, थोड़ा सा नाक के पास, गले के पास और तो थोड़ा सा ऊपर सिर के पास हल्का सा कर ली हूँ और फाइनली मेरा कंटूरिंग हो गया है। और यहाँ मैं शुगर का ही ब्लश के लिए ले लूँगी, मेरा है पिच कलर और ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है ये। और ये ना कलर काफ़ी अच्छा भी लगता है आप देख रहे हो, और ये कहीं से भी ना मेकअप ज़्यादा नहीं लग रहा था, एकदम परफेक्ट मेकअप मुझे लग रहा था मेरे सूट के हिसाब से। तो अगर आपको गाइस मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का कंसीलर लिया है, कंसीलर को
मैंने अपने आँखों पे लगा लिया है, थोड़ा सा डार्क हल्का सा हुआ था, ज़्यादा नहीं, और उंगलियों की सहायता से कितने अच्छे से सेट हो जा रहा है देखिए आप। और फिर यहाँ पे ना इस बार मैंने आई शेडो कुछ अलग तरीके से यूज़ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना लैक्मे का काजल ले ली थी, पहले मैं थोड़ा सा शेप दे दी इसको आँखों पे। आप इस कलर इस तरीके से ना आई मेकअप कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं काजल से इस तरफ भी बना ले रही हूँ, दोनों तरफ ऐसे बना लूँगी। और उसके बाद आई शेडो पैलेट से मैं ब्लैक कलर उठाऊँगी और ब्रश की सहायता से स्मेश करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करके ना पूरा मैं ब्लैक ही कलर से वो फिक्स करूँगी। मैं चाहती तो इस पर गोल्डन लगा देती तो अच्छा लगता, लेकिन रेड था तो मुझे ज़्यादा रेड लगा देती तो वो उस पर आई शेडो कर देती, अगर ब्लैक पे रेड तो ओवर हो जाता, इस वजह से मैंने ब्लैक ही रहने दिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये टेक्निक यूज़ की है और आप देख रहे हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है ये। और देखने में ना आईज़ काफ़ी बड़ी और अच्छी भी लग रही थी। मैंने यहाँ पे कोई भी आईलेसेस का यूज़ नहीं किया है, मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ आइकॉनिक का, वो ना जब मैं यूज़ करती हूँ तो खुद ही आंखें अच्छी लगने लगती हैं। और आप देख रहे हो कि एक तरफ मैंने लगाया था, एक तरफ देखिए कितना अच्छा, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। ब्लैक कलर का ये है जो मैं डालूंगी सूट, तो ब्लैक और रेड में है, तो उस हिसाब से पर्पस से मैंने आई शेडो का यूज़ किया था। और देखिए आप, तो कुछ इस, अगर आपको भी ज़्यादा आई शेडो, मैं सही बताऊं तो मुझे उतना या अच्छे से नहीं आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का ही हाइलाइटर यूज़ किया है, वेट एंड वाइल्ड का, और आप देख रहे हो थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से मैंने थोड़ा सा नाक पे, फिर उसके बाद ब्रश से मैंने अच्छे से वो कर लिया, ब्रश से, पतले वाले ब्रश से, ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज का ब्रश है, और उसी से मैं थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये ना एकदम प्रोफेशनल टाइप का मुझे लग रहा था मेकअप, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे मेकअप डन होने के बाद। ना मैं सोच रही थी मेरे पास ब्लैक कलर की बिंदी होती तो मैं ब्लैक कलर की लगाती, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर की बिंदी नहीं थी, तो मैंने पहले काजल से लगाने की कोशिश की और फिर ऐसे थोड़ा सा ना मैं हल्का कर रही थी हाइलाइटर को। और यहाँ पे ये लिपस्टिक गाइस, मेरी लिपस्टिक ये ना दिल्ली की है, मैं अपने लोकल मार्केट से, मतलब मैं गई थी अपने वहाँ बड़े पापा के यहाँ, भाभी भैया से मिलने गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये ना मार्केट लगी हुई थी, तो मैंने लिपस्टिक देखी थी, मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छा लगता था तो मैं यही लिपस्टिक ली थी। तो सॉरी इसका सेट नहीं दे पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का मस्कारा, आइकॉनिक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, हो गया है अब फ़िलहाल। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर काजल से लगा लिया था और कुछ इस तरीके से पहन के मैं तैयार हुई थी। और ब्लैक कलर की बिंदी नहीं था, फिर मुझे लगा ब्लैक कलर बहुत बड़ा लग रहा है बिंदी जैसे लगाऊँ, तो मैंने उसको हटा के और ये रेड कलर की छोटी सी बिंदी लगा ली। कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है, ब्लैक बिंदी में या रेड, बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप आपको ये ज्वेलरी मैंने मीशो से लिया था और ये अमेज़ोन से सूट लिया था, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कुछ इस तरीके से लुक था और मुझे ये लुक ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये ना सेव करके रखी थी, मैं बोली कि मैं कभी डालूंगी तो आप देख लो। और इस सूट को काफ़ी पसंद करते हैं सब लोग, तो मैंने अमेज़ोन से लिया था, 450-500 के लगभग ये था, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और अच्छा मिल गया था, लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। और क्या भाई, आप बार बार बोलो यार, आप समझदार तो हो ही। और आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। तो गाइस, ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके पीछे।
तो इसी के साथ अपने वीडियो का करती हूँ एंड। बाय बाय, टेक केयर।